को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया है. मेरा जो एरिया है जो मैं डील कर रहा हूँ मिनिस्ट्री में वो ट्रांसपोर्ट है और उसमें भी मेट्रो. सो मैं हाउसिंग पर तो बहुत कह नहीं पाऊँगा कुछ, मेरे पास उसके बारे में जानकारी नहीं है. मगर हाँ, तो इसलिए मैं अगर आप अनुमति दें तो थोड़ा जो सेक्टर जो डिस्कस हो रहा उसी पर मैं कुछ बोलूँगा. जहाँ तक मोबिलिटी का सवाल है, सारे स्पीकर ने काफ़ी अलग अलग विषयों पर और काफ़ी अच्छे से किया. एक चीज़ मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कम से कम ये अवेयरनेस आ गया है कि वी डू नीड पब्लिक ट्रांसपोर्ट. तो जो प्राइवेट से व्हीकल से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओर चेंज है, जो ट्रांसफॉर्मेशन, ये कम से कम सोसाइटी में थ्रू यू थ्रू अदर्स एक थिंकिंग शुरू हो गई है. और मुझे लग रहा है कि आने वाले 5-10-15 सालों में इसमें और इजाफा होगा. जो हमारा टारगेट है कि अगले आने वाले 5-10 सालों में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का शेयर है जो भी काफ़ी कम हो गया है उसमें काफ़ी बढ़े. अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों में या मिडिल 70s 80s में जो पर्सनलाइज व्हीकल जिसमें इतना ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ, लोगों को लगा कि ये कार है जो स्टेटस सिंबल है और मेरे पास कार नहीं है तो मैं पता नहीं मेरी स्थिति ठीक नहीं है समाज में. प्रमोशन भी हुए काफ़ी. आजकल जाइए कहीं पर भी बैंक में तो वो दरवाज़ा खोल के बैठे हैं, बस लोन लीजिए और कुछ पैन कार्ड और इनकम टैक्स का रिटर्न लाइए और कार ले जाइए. अब इसके चलते अब लग रहा है कि अब थोड़ा ज़्यादा हो गया, अब कार पर रोड पर कंजेशन आ गया है. पॉल्यूशन का इशू है. व्हीकुलर ट्रांसपोर्टेशन जो हमारा है कि 20-25% जो फॉसिल फ्यूल के व्हीकल हैं वो पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. देर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो बट 20-25% में भी कुछ हद तक है कि ठीक है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ले आएंगे तो पॉल्यूशन कम होगा. लेकिन इसमें भी थोड़ा सा एक कैच है कि इलेक्ट्रिक जब हम फॉसिल फ्यूल से जलाएंगे, चाहे कोल से जलाएं, कोल से बनाएं या गैस से बनाएं, तो कहीं ना कहीं वो का CO2 तो छोड़ेगा ही. दूसरा है जो सोलर, सोलर पर हम लोग काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, सरकार ध्यान दे रही है, सारे लोग. ये एक लग सकता है कि चलिए ये लोकलाइज पॉल्यूशन भी नहीं लाएगा जो लोकलाइज हमारे पावर प्लांट ला रहे हैं. न्यूक्लियर है, हाइडल है, बहुत सारे इशू हैं. अब मैं आऊँगा कि बहुत सारे इश्यूज हैं. अब हम इसको जो पर्सनल व्हीकल है, जो पर्सनल व्हीकल को कैसे हम डिस्करेज करें, और डिस्करेज करने का ये तरीका कतई नहीं हो सकता है कि हम उस पर पेनल्टी लगाएं, जैसे बहुत सारी चीज़ें हो रही है. एक कुछ चार्ज लगाने का, हमारे देश में ये डेमोक्रेसी है, हर एक का अपना मोड ऑफ कन्वेयंस, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ये चूज करने का अपना एक नज़रिया है. लोग अपने अपने तरीके से कहाँ रहेंगे, कहाँ उनका ऑफिस कहीं भी रहे, वो लोग रहेंगे अपना सेलेक्ट करते हैं कि उनको क्वार्टर मिल गया क्वार्टर में रह लेंगे, नहीं तो कहीं और रहेंगे. कोई 20 किलोमीटर से आ रहे हैं, कोई 30 किलोमीटर से आ रहे हैं. उसके बाद ऐसा बात नहीं कि लाइफ टाइम एक ही जगह रह रहे हैं. वो आज यहाँ रह रहे हैं, 2 साल बाद कहीं और चले गए, 3 साल बाद कहीं और चले गए. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मोबिलिटी का जो ट्रेंड है इसको प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है. आपने अगर अभी फोरकास्ट कर दिया कि नोएडा में इतने सारे हम घर बना लिए, बहुत सारे इंडस्ट्री आ गए तो यहाँ पर लोग रहेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जो रह रहे हैं वो किधर जाएंगे. रह तो यहाँ रहे, हो सकता है कल वो जो नया एयरपोर्ट आ रहा है वहाँ काम करने जाएं, पुराना एयरपोर्ट है वहाँ काम करने जाएं या कहीं और चले जाएं. नोएडा में बहुत सारी इंडस्ट्री आ रही है, कुछ बाहर से भी कुछ लोग आ सकते हैं. तो ये जो मोबिलिटी ट्रेंड है ये हमारे लिए एक बड़ा समस्या है जज करना. अब जैसे अभी उपाध्याय साहब ने नोएडा मेट्रो का बोला, आप नोएडा मेट्रो का देख लीजिए जो असेसमेंट है कि हमारे दीज आर द डेवलपमेंट प्लान्स, कि इतने सारे हमारे रेजिडेंशियल एरिया डेवलप हो जाएंगे, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशनल कॉरपोरेट, प्रॉब्लम नहीं हो पाया. और जो हो भी पाया वहाँ पर भी बहुत सारे घर खाली हैं. दिस मेक सम सेंस कि हम जो आज प्रेडिक्ट कर रहे हैं अगले 5-7-10 साल में कितना आएगा, ये बड़ा चैलेंज है.
जिसको कि हम लोग अभी फेस कर रहे हैं सारे मेट्रो में, क्रॉस ऑल मेट्रो जो बन गया है देश में, चाहे नोएडा हो, नोएडा के पास भी राइडरशिप का प्रॉब्लम आ रहा है, कोच्ची के पास आ रहा है, जयपुर के पास आ रहा है, दिल्ली मेट्रो है इसका ठीक है चल रहा है, बेंगलोर मेट्रो भी, हैदराबाद दे आर डूइंग गुड, लेकिन बाकी जो छोटे छोटे शहर हैं जहाँ पर कि मेट्रो आ गया है ऑन द इंसिस्टेंस ऑफ स्टेट एंड यूएलबी सिटी के, थोड़ी सी समस्या है। अब इसके लिए अब आप देखेंगे कि हमने एक मेट्रो रेल पॉलिसी लाई, तो मेट्रो रेल पॉलिसी का जो मेन जो है मूव द पीपल नॉट व्हीकल, अभी हो क्या रहा अभी उस दिशा में हम गए नहीं हैं, अभी भी मूव द पीपल नॉट द व्हीकल, अभी क्या व्हीकल मूव कर रहा अभी भी, लेकिन ठीक है थोड़ी थोड़ी आ रही है, और हमारा ये ध्येय है कि इसको और आगे बढ़ाएं। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि आप उनको बढ़िया सा ट्रांसपोर्ट देंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसा भी दिखाया गया है कि अगर अच्छे लोग, भले लोग जो संभ्रांत हैं, जो रिच लोग हैं, वो अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करना शुरू करें तब हम मान लेंगे कि सिटी स्मार्ट हो गई, बहुत अच्छी बात है। इसके साथ जो और जो चीज़ें हैं, एक तो है कि टीओडी अभी जो नोएडा है, नोएडा एक बड़े पिकुलियर स्टेट में है, इसके पास पूरा अपॉर्चुनिटी है कि अपने आप को रीमोडिफाई करने का, जो भी प्लान उसको बढ़िया से इम्प्लीमेंट करने का, पूरा रिसर्च करके यहाँ पर इंस्टीट्यूशन कहाँ आएंगे, इंडस्ट्री कहाँ आएंगे, किस तरह के आएंगे, कॉरपोरेट ऑफिसेस कहाँ आएंगे, और उनको साथ लेकर के उनके स्टेक होल्डर करके और डेंसिफाई करने का। इसके लिए जो भारत सरकार ने, हमारे मिनिस्ट्री ने नेशनल ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी लाई थी, जिसका उपाध्याय जी ने भी जिक्र किया था कि यहाँ पर नोएडा में हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब तक आप इसको हर एक ट्रांजिट स्टेशन लोकेट करके, कहाँ पर ट्रांजिट स्टेशन मेट्रो का हो सकता है, ट्रांजिट स्टेशन BRTS का हो सकता है, ट्रांजिट स्टेशन बड़े बस ट्रांसपोर्ट हब हो सकते हैं, तो उस ट्रांजिट स्टेशन को अगर हम डेंसिफाई नहीं करेंगे 500-700 मीटर के रेडियस में, तब तक हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। इसके में क्या है कि जब आप डेंसिफाई करेंगे तो एक तो है कि उनका डिपेंडेंस पर्सनल व्हीकल पर ख़त्म हो जाएगा, 500 मीटर 700 मीटर लोग, अगर आपके पास लगेज नहीं है, सामान नहीं है, तो कहीं ऑफिस जा रहे हैं, अपना एक कैरी बैग है या एक बैकपैक है तो उसको लेकर के चल जाइएगा, अगर कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो उसके लिए भी आपके पास ई व्हीकल है, ई रिक्शा है और बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें जो IPT में आते हैं। तो नोएडा के लिए, खास करके नोएडा, ग्रेटर नोएडा के लिए अभी मैं देख रहा हूँ पूरा ग्रीन फील्ड अभी भी है मेरे हिसाब से, और जो मैं जो डील कर रहा हूँ चूँकि मेट्रो सारे देश का, तो इससे बढ़िया लोकेशन, इससे बढ़िया स्पॉट एक्सपेरिमेंट करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, और एक बढ़िया बेस्ट ट्रांसपोर्ट मॉडल टुगेदर विथ मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, और उससे भी ज़्यादा जरूरी कि हम पेडेस्ट्रियन को बढ़ावा दें। अब आप बाहर में जाइए, कहीं भी जो बड़े बड़े अच्छे सिटीज हैं, एक लेडी है वो ऑफिस में काम करती है, अपना एक ट्रॉली है, ट्रॉली में बच्चे को भी लेकर के चली गए 2-2 किलोमीटर दूर, और वहाँ से शॉपिंग करके फिर घर चली आई। वेदर वी कैन मेक पेडेस्ट्रियन मेक पाथवे फॉर दैट फैसिलिटी, कि उसको कोई दिक्कत ही नहीं हो कि हम एक ट्रॉली लें, जैसे एयरपोर्ट पर ट्रॉली रहता है, सामान लें और उसको लेकर के हम सीधे यहाँ पर मेट्रो तक आ जाएं या घर तक चले जाएं, अगर किलोमीटर 2 किलोमीटर है। जब तक हम लोग ये नहीं सोचेंगे, इसके तरफ नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा हमारा जो मिसिंग है ना, वो मिसिंग रहेगा। अभी कुछ दिन पहले देखिए नोएडा 51 और DMRC के बीच में जो लिंक है 300 मीटर का है, 300 मीटर का इन्होंने एक कवर्ड वॉकवे बना दिया, हालांकि प्लान उनका है कि ओवर ब्रिज कुछ ऊपर से कनेक्ट करने का है, और उसके बाद इनका अच्छा खासा आपको राइडरशिप में अचानक बिना ऐसा नहीं उन्होंने कि भाड़ा कम किया, वो एक रिसर्च का विषय है कि जब इतना कनेक्टिविटी करने से हमारे राइडरशिप में अच्छा खासा बढ़ोतरी हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम हर एक स्टेशन को इस तरह से प्लान करें कि वहाँ पर 500 से 700 मीटर के रेडियस में हमारा सारा चीज़ हो, FAR बढ़ाएं, अब नेचुरल के लिए आपको सारी सुविधा लाना पड़ेगी, एमिनिटी का जरूरत होगा, ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होगी, सीवरेज का रिक्वायरमेंट, ये सब प्लान करके, और पेडेस्ट्रियन के लिए
कि अपना ट्रॉली लेकर के, लगेज ट्रॉली लेकर के, सभी लोग घर में रखे लेकर के चल दिया और चला आया. ना तो उसको साइकिल की जरूरत है, ना मोटरसाइकिल की जरूरत है, ना हाथ दर्द करने की जरूरत है, ना हाथ से टांगने की जरूरत है. ये चीज़ जो मैंने देखा हूँ बहुत जगह से कि बच्चे भी लेके है, अब बच्चा अपना सो रहा है और एक और उसमें रैक है, उसमें सामान खरीदा हुआ है, लेकिन मजे से जा रहा है. हमारे तो वो कल्चर है नहीं. आप कहीं बाहर में रुक जाइए तो कार वाले आपको रोक देंगे बीच बीच पर, चाहे वो क्रॉसिंग है नहीं है, रोक देंगे कि आपको जाने के लिए देंगे. यहाँ पर आप जहाँ देख लिया कि कोई पेडेस्ट्रियन आ रहा है क्रॉस करने के लिए तो कार वाले और बढ़ा देंगे. हालांकि थोड़ा इसमें चेंज आ रहा है मैं जो देख रहा हूँ, और ये हमको इनेबलिंग प्रोविजन करने की बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज पब्लिक पर लगेगा ठीक है अपना चल रहा है, उसको ये मतलब नहीं है कि पोल्यूशन क्या बढ़ रहा है. बोला ठीक है यार, हमारे गाड़ी रखने से क्या फर्क पड़ता है, बाकी 999 लोग अगर नहीं रखेंगे और एक रखेंगे तो क्या दिक्कत होगा, और सारे लोग यही सोच रहे हैं. अब इसके लिए हमारे पास जो पहले था, जिसे मैंने बोला नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है, उसके बाद मेट्रो पर काफी ध्यान दिया गया. मेट्रो पर आ गया तो हमारे पास केवल एक सोल्यूशन था, हाई कैपेसिटी मेट्रो, जो दिल्ली मेट्रो से शुरू हुआ और बाकी सारे जगह फैल गया. अब मैं आपको नोएडा मेट्रो को मैं बधाई देना चाहूँगा कि इनका जो मेट्रो जो है कंस्ट्रक्शन कंट्री में लोएस्ट है. कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इससे कम कॉस्ट में कहीं भी 6 कोच सिस्टम का मेट्रो नहीं बना है. कारण इसके बहुत हो सकते हैं. इनको ग्रीन फील्ड मिला, अथॉरिटी काफ़ी एक्टिव था कि तुरंत तुरंत अपना क्लियरेंस देते गया. बाकी जगह उतना कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता मेट्रो कंपनी में और लोकल बॉडी में, इश्यूज रहते हैं. और ये ग्रीन फील्ड मिलने से इनको प्रॉब्लम हुआ कि कहीं रेट्रोफिट नहीं करना है. बाकी जगह जो सिटी है उसमें रेट्रोफिट करना है, इधर जगह निकाल करके स्टेशन के लिए बनाना है, फिर नीचे से जाना है तो फिर नीचे कुछ मिल गया. बहुत सारी यूटिलिटी शिफ्टिंग है यहाँ पर, है क्या यूटिलिटी कुछ आ रहा है कहीं पर, इनमें आ रहा था वो हाई टेंशन लाइन, तो इन्होंने इनके पास जगह था तो कॉरिडोर को चेंज कर दिया. ये सब सारी चीज़ें दूसरे नहीं हो सकती हैं. इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नोएडा जो है बेस्ट प्लेस आज के डेट. एक नोएडा है, एक उधर जो द्वारका के एल जोन में से जो आ रहा है वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा है कि अभी से प्लान करने की ज़रूरत है. नोएडा में भी काफ़ी प्लानिंग, मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं हुआ, काफ़ी प्लानिंग हुई, लेकिन इसको थोड़ा सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओरिएंटेड और उसमें भी कि पेडेस्ट्रियन ओरिएंटेड. मैं बता रहा हूँ कि 500 से 700 मीटर वॉक करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं. हम मॉर्निंग में 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर वॉक करते हैं. 500 मीटर ये भी हो जाएगा, नीचे चलेंगे थोड़ा सा ब्रिक्स वॉक करेंगे और सारे कनेक्टेड हो. दूसरा चीज है कि आप अगर हाई कैपेसिटी मेट्रो बनाएंगे, इवन कम कॉस्ट पर बना रहे हैं, तो सोल्यूशन यहाँ पर आता नहीं है. क्या है कि मेट्रो का इसके बाद एक मेंटेनेंस कॉस्ट आता है, जो मेंटेनेंस कॉस्ट अच्छा खासा होता है. तो अब हमको ध्यान देने की जरूरत है कि लो मेंटेनेंस कॉस्ट क्या ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन है जो देखने में, फील करने में मेट्रो जैसा ही हो. अब उस पर भी हम लोगों ने ध्यान देना है. हमने एक मिनिस्ट्री ने एक स्टैंडर्ड जारी किया है मेट्रो लाइट, और जो कि बहुत कम कॉस्ट में, जो हाई कैपेसिटी मेट्रो है बहुत कम कॉस्ट में, और जो कम कर्व में मुड़ जाएगा. वो जनरली होता क्या है कि दिक्कत क्या मेट्रो के लिए, हाई कैपेसिटी मेट्रो अंडरग्राउंड जाना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि वो जो कर्व हमारे पास अवेलेबल है स्पेस वहाँ पर वो मुड़ नहीं सकता. उसको 100 मीटर करीब 80-90-100 मीटर का कर्व चाहिए रेडियस उसको मुड़ने के लिए. तो उसके लिए क्या करते, वहाँ पर वो जमीन मिल नहीं पाएगी, ऑलरेडी एरिया है, लोग रह रहे हैं, घर है, तो इसके लिए क्या करता, नहीं संभव है, चलो अंडरग्राउंड चलो. ये जो सिस्टम है ये 25 मीटर के रेडियस में मुड़ जाएगा. तो इवन इसकी थोड़ा टेढ़े मेढ़े रोड है उसमें भी जा सकता है. दूसरी चीज है इसका, इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत कम है. इसके सिंपल से सिस्टम रहेंगे. हमने जो इजाद किया है उसमें कि बहुत ज़्यादा स्टेशन ताम झाम इतने नहीं होंगे. हमको वट पैसेंजर रिक्वायर्ड, पैसेंजर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोलें कि उसको मेट्रो स्टेशन में नहीं जा रहा है, को मेट्रो स्टेशन में बढ़िया स्टेशन का लुक लेने के लिए उसको जा रहा है, कि जैसे ही मेट्रो स्टेशन में जाए उसको 1 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर मिल जाए गाड़ी, सेफली चला जाए, आराम से पहुंच जाए और वहां उतरे. उसको कुछ लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, कोई दूसरा सर्विस है या दूसरा कनेक्टेड है, कोई बस अड्डा है उससे कनेक्टेड रहे, कोई स्टेशन है उससे कनेक्टेड, उसमें चले जाए अपने गंतव्य को. तो मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, ये चीज टुगेदर विथ जो मैं बोला
ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट. तो अभी से सिटी को प्लान करना पड़ेगा. ऑफ कोर्स जैसा उपाध्याय साहब ने कहा कि नेटवर्क नोएडा कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है. इसको और अभी से प्लान करने की जरूरत है कि हमारा कैप्टिव राइडरशिप दोनों चीज में, आपके जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेगा, एक्सीडेंट कॉस्ट जो मेडिकल हेल्थ है कि जो रोड पर एक्सीडेंट होते उसमें काफी कमी आती है, रिसर्च पूरा बताता है. आपका पॉल्यूशन जो कार्बन इमिशन है उसमें काफी कमी आएगी. दूसरा है कि पब्लिक का हेल्थ भी ठीक होगा, लोग लाइव रहेंगे. अगर जरूरत हो तो हम लोगों को जो मेट्रो से मेन सेंटर तक जाने के लिए अगर जरूरत हो पाथवे को हम लोग कवर भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं आएगा. इससे उसको एक फील गुड मिलेगा कि नहीं वो मेट्रो के सिस्टम में ही आ गया है. ये सारी चीजें अभी आज के और हम लोग मिनिस्ट्री सारे मेट्रो के एमडी के साथ मीटिंग करी, सारी चीजें डिस्कस होते हैं. और मैं नोएडा से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सब चीजों पर भी एक थोड़ा सा री लुक करने की जरूरत है. अगर कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो इसको थोड़ा सा आगे और देखने की जरूरत है कलेक्टिव वे में. और जो भी करें मोबिलिटी सेंटर में रखें, क्योंकि आप देखिए जितने भी वर्ल्ड ओवर सिटीज हैं, बड़े बड़े सिटी, एडवांस सिटीज, पानी की समस्या उनका नहीं है, सीवेज का नहीं है, सैनिटेशन का नहीं, लेकिन ट्रांसपोर्ट की समस्या अभी, जैसे किन्हीं ने कहा लंदन, ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन, अभी वो भी ट्रांसपोर्ट पर रिसर्च कर रहे हैं और ये समस्या रहने वाली है. क्योंकि मैं बता रहा हूँ मोबिलिटी का ट्रेंड जो है ना, अभी हो सकता है कि आपने कुछ किया, कल कोई आदमी यहाँ से पूरे पूरे उठ के इधर से उधर चला जाए, उधर का इधर आ जाए, तो आपको जो ये रूट में मोबिलिटी अभी है, पता चला इसी रूट में नहीं रोकी, उस रूट में मोबिलिटी आ गई. दिल्ली मेट्रो में जब राजीव चौक था कितना चौक रहता था, अभी कुछ दूसरे कॉरिडोर खुले, राजीव चौक खाली हो गया. तो ये सारा चीज होता रहेगा, आपको कंप्रिहेंसिव वे में प्लान करके इसको ध्यान में रखते हुए करने की जरूरत है. तीसरा जो सबसे बड़ा थ्रेट आ रहा है, इमर्जिंग ट्रेंड, इमर्जिंग ट्रेंड जो आ रहा है, देखिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तो आपने बात की, दूसरा जो है शेयर्ड मोबिलिटी. शेयर्ड मोबिलिटी बहुत बड़ा एक आज के डेट में ट्रेंड आ रहा है कि भाई मेट्रो में क्यों जाना, तीन आदमी मिलके, चार आदमी मिलके वो कार बुक कर लो, मेट्रो सस्ता पड़ेगा. तो मेट्रो को जो चैलेंज आज के डेट में है वो आपको शेयर्ड मोबिलिटी से है, और दूसरा मोटरसाइकिल से है. मोटरसाइकिल क्यों, क्योंकि उसको लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है. वो बोल रहा है, देख रहा है, जब यहां से भी ऑटो करके मेट्रो तक जाओ, 10 किलोमीटर मेट्रो चलो, फिर मेट्रो से फिर 10 किलो 5 किलोमीटर वर्क पर चलो, तो इच्छा अच्छा है कि 20 किलोमीटर हम 25 किलोमीटर हम मोटरसाइकिल से ही चल जाए, और एक रुपये पर किलोमीटर आजकल काफी इफिशियंट आ गए. एक रुपये पर किलोमीटर या डेढ़ रुपये पर किलोमीटर अगर वो मेंटेनेंस भी मिला लीजिए, 2 रुपये पर किलोमीटर अगर मोटरसाइकिल में जा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आप थोड़ा भी बढ़ा दिए तो वो नहीं आना चाहेगा. तो मोटरसाइकिल से मेट्रो में शिफ्ट करना, ये अगेन बहुत बड़ा चैलेंज है मेट्रो कंपनी के लिए. और जब से ये आया ओला उबर मेट्रो, उपाध्याय साहब हमारे बगल में है, ठीक है, तो ये चीज एक रिसर्च का विषय हो गया है कि हम कैसे लाएं. हमारे पास बोला जा रहा है बात, टाइम कम है. एनीवे, एक और चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हम लोग अभी सिटी के जो एस्पिरेशन है उसको देखते हुए एक मेट्रो नियो कंसेप्ट भी आया है. मेट्रो नियो क्या है कि टायर्ड मेट्रो, मेट्रो ऑन टायर, उसके भी स्टेशन रहेंगे, सिंपल से स्टेशन रहेंगे, वो भी इसी टाइमली चलेगा, टाइमली आएगा, डेडिकेटेड राइट ऑफ वे रहेगा, उस पर किसी और कोई कार कुछ नहीं, केवल मेट्रो ही चलेगा. और बीआरटी की तरफ नहीं, बीआरटी से थोड़ा सा लग रहा है, बीआरटी क्या है, वो रोड व्हीकल एक्ट में जा रहा है, मोटर व्हीकल एक्ट में, ये डेडिकेटेड, इसका कोई इंटरफेरेंस है. बीआरटी में तो रोड के साथ इंटरफेरेंस है, क्रॉस पर रुक गया उससे टैक्सी भी जा रहा, वो तो ये भी हम लोग ला रहे हैं. और अब मैं नोएडा से भी गुजारिश करूंगा कि वो सब बाकी जो लो कॉस्ट सॉल्यूशन है, नॉट ओनली इन कैपिटल कॉस्ट बट ऑल्सो इन मेंटेनेंस कॉस्ट को ध्यान देने की जरूरत है. क्योंकि दिक्कत होगा कि हम बना तो देंगे, मगर उसका जो रेकरिंग कॉस्ट मेंटेनेंस आएगा उसको कहीं ना कहीं स्टेट को, अथॉरिटी को बियर करना पड़ेगा. बाद में पता चला है कि वो तो प्रॉब्लम हो रही है. तो इसको ध्यान में देखते हुए ऑप्टिमम सॉल्यूशन जो है उसको आप लोग लाएं. और जो मिनिस्ट्री के बहुत सारे गाइडलाइन हैं, हमारा पर्पस ही है इनक्रेज करना पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फिनांशियली, पॉलिसी के रूप में,
technology ke roop mein, advisory ke roop mein, whatever it is. Thank you.